जी सर, फायर सर्विस डिपार्टमेंट, हाय हाय, फायर सर्विस डिपार्टमेंट, हाय हाय, फायर सर्विस डिपेश करो। मुतालबा कर रहा हूँ जिनका आपने मेरिट मारा है, जिनका आपने मेरिट के जरिए एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, इट इज नॉट गोइंग टू टेक दैट मच टाइम। आर के गोयल साहब को एनक्लेव से हिलने वाला नहीं हूँ जितनी देर तक इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। जम्मू में आपने किसी चाहे जो इनको कश्मीर के साथ करना था, यहाँ के लोगों साथ करना। मैं आपकी वसादत से अपनी कौम को ये बावर करना चाहूँ, ये बच्चे पिछले 10 साल से इनको दे आर बींग हुडविंक्ड, इनके साथ गुनौना मजाक किया जा रहा है, इनके फ्यूचर के साथ मजाक किया जा रहा है। इन्होंने बेचारों ने गलती क्या की है, 870 पोस्ट आपने एडवर्टाइज़ किए, इन्हें एग्जामिनेशन के फॉर्म भरे, एग्जामिनेशन की फ़ीस भरी, दिन रात पढ़ा लिखा उसके लिए और एग्ज़ाम देने चले गए। 2013 में आपने पोस्ट एडवर्टाइज़ किए, 14 में वो शॉर्टलिस्ट हो गए, फ्लड की वजह से आगे प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाया। आपने जब नई हुकूमत आई, आप देखिए, ये नहीं है कि खाली PDP BJP की हुकूमत ने क्या किया, ये जब से LG आ रहे इनके साथ क्या हो रहा है। 2017 में इनका री एग्जाम किया गया, 14,000 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का फिजिकल टेस्ट नए से किया गया, 7,000 उसमें शॉर्टलिस्ट हुए। फिर उसके बाद जब ये 2018 में एग्जाम देते वहाँ चोरी होती है, अब जब LG साहब आते फिर 2020 में इम्तिहान देते उसमें चोरियाँ होती है, पेपर को खरीद फरोख किया जाता है यहाँ राजबाग में, कोड़ियों के दाम जो है बच्चों का फ्यूचर बिकता है, जम्मू कश्मीर की एडवर्टाइज पोस्ट बिकती है, ये तो शर्म की बात है। LG साहब, आपके आने के बाद पहली रिक्रूटमेंट लिस्ट थी जो मंजरे आम पे आई, 2 अगस्त में आप आए, अक्टूबर में लिस्ट आई, और बच्चे तब से सरापा एहतजाज है, एक ही खानदान के 8-8, 9-9 बच्चे, 4-5 भाई, 4 कजन्स, एक बड़गाम के डार साहब है, 39 जूनियर असिस्टेंट जो निकले एक ही गाँव के। LG साहब, ये कैसे हो रहा है? बच्चों ने आपसे पूछा जब जूनियर असिस्टेंट्स आए, मेरिट लिस्ट आप शाया कीजिए, मेरिट लिस्ट आपने नहीं की, आप खुद बच्चों से मिले, बच्चों ने आपको सबूत दिए। जो काम एंटी करप्शन का था, जो काम एजेंसीज का था, जो काम CID का था, वो बच्चों ने किया है, तो शर्म की बात है। आपको क्या रोक रहा है कल्प्रिट्स को अरेस्ट करने में? गजनफर नबी जो एक आई विटनेस है, जिसने खुद ऑन कैमरा कबूल किया है मैंने पैसों के एवज पेपर पकड़ा है, उसके आने के बाद भी आपकी एजेंसियाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आर के गोयल साहब की कयादत में जो कमेटी बनाई, इट वॉज सपोज टू सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 1 मंथ, आज 4th महीना चल रहा है, बच्चे हमारे जम्मू में हैं, वो सड़कों पे बैठे रहे। मैंने भी आपसे गुहार लगाई कि आप हमें फोर्स मत करिए सड़कों पे निकलने के, आप जानते हैं मैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं हूँ और बच्चों के साथ मैं किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दूंगा। आप क्या बोल रहे हैं हम 50,000 नौकरियाँ एडवर्टाइज़ करें, पहले इन 7,000 बच्चों का सोचिए जो सरापा एहतजाज है। यही हाल इनका नहीं है, यही हाल SI का था, यही हाल फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का था, यही हाल जल शक्ति के जो पोस्ट हमारे एडवर्टाइज हुए उसका था। इसके बावजूद आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स हो, हर जगह रहबरे खेल हो, रहबरे जंगला, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन सरापा एहतजाज है। ये कोई आसमान और ज़मीन का कोई फैसला नहीं करवा रहे हैं LG साहब आपसे, ये अपना हक मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चे नौकरियों पर हक उनका है। मकसद क्या है? वही मकसद है कि ये लिस्ट को कॉश किया जाए, जिन चोरों ने धांधली किया 2018 और 20 में उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए और ये सबक उनको सिखाया जाए कि भाई इन बच्चों के फ्यूचर के साथ हम आपको खेलने नहीं देंगे। जरूर, जरूर, जरूर।